हाय गाइस, अक्सर मैं आपको ट्रिक्स देता रहता हूँ कि अपने घर को सुंदर कैसे बनाना है। और जैसे ही मैंने लास्ट वीडियो दी थी कि अगर आपके घर को सुंदर बनाना है वो भी सिर्फ 20,000 में, तो इस टाइप की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। लेकिन आज मैं आपको वो वाली ट्रिक देने वाला हूँ कि घर को सुंदर तो एक बार बना दिया, लेकिन उसकी ब्यूटी को मेंटेन कैसे रखे, क्योंकि दो ही चीजें जो हमारे घर को खराब कर सकती हैं, और वो क्या है, एक सीपेज और दूसरी टर्माइट। तो सीपेज के ऊपर तो मैंने वैसे ही बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन में है, आप जाके वहां देख सकते हो। लेकिन टर्माइट अगर वो घर में घुस गई तो जितना भी लकड़ी का काम है, अब चाहे वो बेड हो, वैनिटी हो या कुछ भी हो, वो आपका खराब कर ही देगी। जिसमें पूरे घर में इंटीरियर में जहां अगर 5 से 10 लाख लग रहा है, वहां किचन में ही सिर्फ उतना उतना पैसा लग जाता है, क्योंकि पूरे घर में सबसे महंगा काम वुड का होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 चीजें बताने वाला हूं। एक, कि घर के अंदर टर्माइट की एंट्रेंस होती कहां से है। एंट्रेंस होने के बाद वो सबसे पहले कहां लगती है। तीसरा, कि जब टर्माइट का बेस्ट केमिकल कौन सा है जो टर्माइट को जड़ से खत्म कर देगा, और मार्केट में स्कैम कैसे होता है, क्योंकि अगर मार्केट में 100 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो टर्माइट का काम करते हैं, 90 फ्रॉड होंगे। क्यों? क्योंकि मैं भी इसमें कई बार स्कैम में फंस चुका हूं, जो बोलते इतने तगड़े तरीके से कि भाई ये कर देंगे, 2 साल वारंटी, 5 साल वारंटी, लेकिन आप खुद कैसे इंजीनियर बनेंगे और वो बेस्ट केमिकल को कैसे यूज कराना है, वो कितने पानी में डाइल्यूट होगा, कैसे कैसे इंसर्ट कराना है, वो मैं बताऊंगा। एंड लास्ट, की एग्जीक्यूशन की, केमिकल तो चलो आपने पता लगा लिया, लेकिन जो करने का तरीका है, उसको डालने का तरीका क्या, वो सही है या नहीं है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एंड कोच पे, और मैं हूं एंड कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जहां होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा, कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। और अब हमने इंटीरियर्स का एंड कंस्ट्रक्शन काम दोबारा से शुरू कर दिया है, क्योंकि अक्सर लोग कह रहे थे, यार मनीष जी आप तो बता देते हो, हमें कोई मिलता नहीं है जो काम वो कर सके या वैसे कर सके, उन्हें पता ही नहीं होता है। तो मैं कहा चलो यार, अब कई दिन हो गए, थोड़ा सा फॉर्म में वापस आ जाते हैं, और अब हम आ गए हैं, तो हम इंटीरियर कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। तो अगर आप हमसे डिजाइन करा रहे हैं तो टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी हम सिर्फ गुड़गांव NCR और मुंबई में काम कर रहे हैं, दैट्स इट। तो देखो, टर्माइट की जो सबसे रहने वाली पसंदीदा जगह होती है, वो होती है जहां पे थोड़ा सा ह्यूमिड हो, या मॉइस्चर हो, या सीपेज हो। तो अगर आपके घर में सीपेज है, तो ये समझ लो आपके घर में टर्माइट रास्ता ढूंढ रही है अंदर आने का, या आ चुकी है। और साथ के साथ जहां सीपेज आई है, तो इसका ज्यादातर रूट होता है घर में आने का, वो होता है प्लम्बिंग की पाइपलाइंस हो गई, या पे कहीं आपके गटर की पाइपलाइंस हो गई, या फिर आपकी रेन वाटर की पाइपलाइन होगी, जहां हल्का फुल्का मॉइस्चर होगा, वहीं से ज्यादातर ये अंदर आती है। और नहीं तो फिर ग्राउंड फ्लोर पे आपका घर है, तो मिट्टी में जहां मॉइस्ट होता है वहां पे पाई जाएंगी। जब सीपेज आती है, तो लकड़ी में एक सेल्यूलोज करके पार्ट होता है जो निकलता है, जो दीमक को बहुत पसंद होता है। तो जहां पे सीपेज रहेगी, वहां पे टर्माइट आने के चांसेस 100% है, या आ चुकी है। तो पहले तो यही जाते हुए सबसे पहले अपने घर में चेक कर लो, जहां जहां सीपेज है वहां लकड़ी तो नहीं है। अब इनके जो लोकेशन होती है, ग्राउंड फ्लोर पे सबसे ज्यादा ये होती है, उसके बाद वहां से अपना एक टनल घर बनाती चलती है, जो आपने देखा होगा कि वो मिट्टी की एक टनल बनती जाती है, शाफ्ट में या बाथरूम की शाफ्ट से सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है। इसलिए आपको कहीं घर में नहीं दिखेगी, लेकिन बाथरूम की शाफ्ट में हमेशा आपको टर्माइट दिखाई देगी। इसीलिए आपने सोचा होगा कि 10th फ्लोर, 12th फ्लोर, 13th फ्लोर तक यार दीमक कैसे पहुंच जाती है, क्योंकि शाफ्ट आपने कभी देखी नहीं होती, और शाफ्ट में से टर्माइट आती रहती है, क्योंकि वो उसके वहां रहने का सबसे बेस्ट एरिया होता है। अब पूरे घर में जो दीमक है, वो सबसे पहले ज्यादातर केसेस में, अगर 100 केसेस है, 100 में से 80-90 केसेस में जो दीमक है, वो सबसे पहले आपके बाथरूम के डोर फ्रेम, या जिसे चौखट बोलते हैं, उसमें सबसे पहले लगती है। और वहीं से लगते लगते सारी चौखटों से नीचे नीचे, क्योंकि टाइल और फ्लोरिंग के नीचे उसे वाइड गैप मिलता है, जिसमें चलते हुए दूसरी चौखट और लकड़ियों तक पहुंच जाती है। इसलिए स्कर्टिंग में भी ड्रिल किया जाता है, वो मैं आगे एग्जीक्यूशन में बताऊंगा कि क्यों किया जाता है। तो दीमक को जहां रास्ता मिलेगा वहां पहुंच जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट बाथरूम की चौखट से ही होती है, या बाथरूम के साथ अगर आपकी अटैच वार्डरोब है तो वहां पे मिलेगी। तो अगर आपने देखा होगा, बाथरूम के पास जितनी लकड़ी है ना, या किचन हो गया, जहां पानी का सोर्स है, वहां दीमक सबसे पहले पहुंच जाएगी, क्योंकि वहीं उसे मजा आता है, वहीं उसे खाना सबसे ज्यादा मिलता है। तो ट्रिक अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो तो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो इस चैनल पे हम आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन आप खुद कैसे कर सकते हो वीडियो से सीखे वो बताते हैं, और आप अपने घर का खुद इंजीनियर कैसे बन सकते हो, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर का खुद से काम चेक करना, मटेरियल को ढंग से प्रोक्योर करना, वो कैसे करें जिससे कोई आपके साथ स्कैम ना हो, वो हम इस चैनल पे सिखाते हैं। तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी जाइए, अगर आपके घर में वॉल्स पे कहीं सीपेज है, तो जाके आपको चेक कैसे करना है कि आपके वार्डरोब या किचन में कहीं दीमक तो नहीं लगी है। आपको बस पल्ले खोलना है, क्योंकि पल्ले में दीमक बहुत कम केसेस में लगती है। जो शटर्स होते हैं, जो सॉलिड है, जो मूव नहीं कर रही है, उसमें दीमक बहुत जल्दी लग जाती है। तो आपको अंदर पल्ला खोलना है और जस्ट नॉक नॉक करके देखना है, या ऐसे प्रेस करके देखना है। अगर इजीली वो प्रेस हो रहा है, तो मतलब समझ लो आपका काम
कबर्ड का या किचन का, सॉरी टू से, पर हो चुका है। तो ये जल्दी से या तो दीमक वाले को बुला लो, नहीं तो फिर पता चला किस दिन आपने पल्ला खोला और पल्ला हाथ में रह गया हम बाकी किचन नीचे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं बताता हूँ जिसका वेट कर रहे हो, वो है भैया मनीष। ठीक है, ये तो पता लग गया। अब ये बताओ यार, बेस्ट केमिकल कौन सा है? भाई मार्केट में जो केमिकल्स हैं वो करीब 200 से 300 है। बेस्ट जो है, दो टाइप के केमिकल्स होते हैं, एक होता है रैपिड और एक होता है स्लो। रैपिड का मतलब हो गया कि अगर आपको भैया तुरंत अभी की अभी दिमाग खत्म करनी है तो वो हो जाएगी। दूसरा केमिकल होता है जो धीरे धीरे काम करता है, वो ऑडोरलेस होता है, मतलब उसमें बदबू नहीं आती है, बहुत कम आती है, और पहले वाले में बदबू बहुत ज्यादा आती है। तो अब ये आपकी प्रायोरिटी पे डिसाइड करना है कि कई बार होता है ना, हर चीज के सिनेरियो सिचुएशन अलग होती है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको दोनों कौन से केमिकल है। जो फर्स्ट केमिकल है जिसको आपको ऑन द स्पॉट दीमक मारनी है, उसकी जो ऑडोर है बस वहीं तक रहती है, जो मेन घर होता है दीमक का, जहां पे सारी छुपके रहती है, जो हमें दिखता नहीं है विजुअली, वहां तक वो दवाई नहीं पहुंच पाती है, उससे दीमक जो बाहर दिखेगी वो मर जाएगी। तो उस दवाई का नाम है एक तो एल्ड्रिन और दूसरा दवाई का नाम है टर्मिनेटर। इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपके इधर उधर कहीं जाने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, क्योंकि इसमें भी दो तीन टाइप के कोड होते हैं। तो लिंक मैं सीधा डाल दूंगा, आप जब क्लिक करना है और सीधा बाय करना है। तो ये तो हुए जो रैपिड वाले हैं, एल्ड्रिन एंड टर्मिनेटर। अब जो नेक्स्ट है वो क्या दवाई करती है, ये दोनों बाहर की कंपनी है, एक यूएसए की एक जर्मनी की। उस दवाई का काम क्या होता है, उस दवाई का काम होता है कि वो पहले जब आप उसको स्प्रे कराओगे या ड्रिल कराओगे, जब भी जो काम कराओगे, उससे दीमक नहीं मरेगी। जैसे आ रही है, जैसे जा रही है अपने घर में से निकल के आ रही जा रही है, वो आती जाती रहेगी, लेकिन जो बाकी की टर्माइट्स हैं उनको भी इन्फेक्टेड कर देगी। तो ऐसे ही जैसे कि वायरस होता है कि वो एक से दूसरे में फैलता जाता है और फिर धीरे धीरे सबकी डेथ होनी शुरू हो जाती है, तो ये वाली दवाई वही काम करती है कि वो पहले किसी को मारेगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे इन्फेक्शन से अगर आपने आज स्प्रे करी है तो 10 से 12 दिन बाद सारी दीमक अपने आप खत्म हो जाएगी, और जो मेन उनका घर बिल घोंसला जो आप चाहना चाहो कह सकते हैं, वहां वो पहुंच जाएंगे, वहां सबको इन्फेक्ट कर देंगे। तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है रेदर देन ऑन द स्पॉट वाला, बट अगेन सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट जो कंपनी है वो है बेयर कंपनी, जो कि जर्मनी की है, और इसके केमिकल का नाम है परमाइस। और जो सेकंड केमिकल है वो है एफएमसी कंपनी का, जो कि यूएसए बेस्ड कंपनी है, और इसके केमिकल का नाम है पैक्सटन। तो ये दो वो केमिकल्स हैं जो आपको यूज करने हैं दीमक के लिए, जो पूरे दीमक को जड़ से साफ कर देगी, लेकिन पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 12 दिन, उसके बाद ही जाके सारी दीमक अपने आप मर जाएगी। चलो ये तो मैंने आपको नॉलेज दे दिया, अब जो मेन पार्ट है कि आपके साथ कहीं स्कैम ना हो जाए, जो कि हम अक्सर साइट सुपरविजन में समझाते रहते हैं कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो एक बार इंजीनियर से जरूर कंसल्ट करें। तो ऐसे ही मैं आपको ये प्रोसेस समझा रहा हूं कि जो आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर से सवाल पूछने हैं, जिससे कि वो अलर्ट हो जाए कि भाई हमें भी नॉलेज है और हमें ऐसे इजीली कोई भी हुकूम बना नहीं सकता है। अब सपोज करो आपको कोई भी एक वेंडर का नंबर मिल गया, आप किसी रेफरेंस ने दिया, फ्रेंड ने दिया, या आपने इंटरनेट से लिया, जो भी किसी से लिया। अब आपको उसके सबसे पहले ये सवाल पूछना है कि भाई एक चीज बताओ, आप केमिकल कौन सा यूज करोगे? ठीक है, अब वो जैसे कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी बोलेगा, अब ये मत बोलना कि आपने सीखा है, नहीं तो फिर वो थोड़ा ईगो वाली क्लैश हो जाएगा। आपको बस ये बोलना है कि नहीं भाई, हमने वो दो ही कंपनी मैंने पिछली बार कराया था, बहुत सही अच्छा करा था पिछले वाले ने, बट अब उसका फोन नंबर स्विच ऑफ जा रहा है तो आपको कॉल किया है। तो या तो एफएमसी कंपनी का डाल दो या वो बेयर कंपनी के, जो दो केमिकल है ये डाल दो, हमें ये इसी से ही काम कराना है और कोई कंपनी से नहीं। तो अब या तो वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, ना बोलेगा तो आपका काम खत्म ही हो गया, क्योंकि उसके पास वो अच्छा केमिकल है नहीं, क्योंकि वो केमिकल एक्चुअल में महंगा भी आता है। और हाँ बोल दिया तो अब आप हाँ बोलने के बाद जब वो साइट पे आएगा तब क्या चेक करना है। तो अब जब वो आपके घर पे आ रहा है तो आपको ये देखना है कि वो सील्ड बॉटल लेके आया है कि जो केमिकल है वो सील्ड है या नहीं है। अगर सील्ड नहीं है तो आपको काम नहीं करवाना, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके छोटे छोटे पैक्स आते हैं। तो कई बार कहा अरे सर ये तो इतनी बड़ी बोतल है पिछली साइट का बच गया था, बोला नहीं जी हमारे घर पे तो सील्ड बोतल लेके और सील्ड बोतल से काम करो, नहीं तो होता क्या है ना उसमें कुछ और केमिकल मिला देते हैं। भाई आजकल इंडिया में ना दूध भी नकली बनता है और बहुत चीजें नकली है, तो आपको ऐसा कुछ खास चर्च करनी है। जब आप पैसा दे रहे हो तो सील्ड बोतल का, तो बोला भैया 200-300 रुपए फालतू ले लो, लेकिन सील्ड बोतल लेके आना हमारे घर। अब एक्चुअल में मेरे साथ कैसे स्कैम हुआ था, जब मैंने फर्स्ट टाइम जब जॉब में थे और मैंने अपने घर पे टर्माइट ट्रीटमेंट कराया था, तो उसमें मेरे को बताया कि हाँ जी आग कर देंगे, ना मैंने केमिकल देखा ना उतनी नॉलेज थी उस टाइम पे। वो बंदा क्या हुआ, घर पे आया और सिर्फ स्प्रे करके चले गया दीवारों पे, आप समझ रहे हो, मतलब कि जो ड्रिल वाला पॉइंट होता है वो हुआ ही नहीं, स्प्रे कर करके चले गया। तो वो बहुत ही गलत था, जो नहीं होना चाहिए था। स्प्रे वाला जब कामयाब है, जब आपको सिर्फ और सिर्फ ऑन द स्पॉट मारना हो। तो आपको जो प्रोसेस यूज करानी है वो वाली करानी है जिसमें ड्रिलिंग मशीन होती है। लेकिन अब इस ड्रिल मशीन में 4 से 5 टेक्निक है जो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ नोटिस करना है, किसी को बोलना नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा बार बार उनको बोलोगे तो वो भी परेशान हो जाएंगे, यार ये तो काम ही नहीं करने दे रहे। तो माइक्रो मैनेज नहीं करना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ये स्टेप्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इसका स्टेप नंबर 1 क्या है, जो आपको 5 चीजें देखनी है। फर्स्ट ट्रिक है कि जो ड्रिल मशीन से ड्रिल होना चाहिए, ड्रिल का जो साइज है, डेप्थ है, जो अंदर तक जाएगा वो करीब 6 इंची तक होना चाहिए। दूसरा, जो होल्स का गैप है, जो ड्रिल्स होते जा रहे हैं उन होल्स के बीच में 1 फुट से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जो ड्रिल बिट है, उस ड्रिल बिट का जो डाया है वो 8 mm होना चाहिए। नेक्स्ट,
जो केमिकल वो उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे वो कम से कम एक होल के अंदर 150 से 200 ml जाना चाहिए। नेक्स्ट, जो ये सारे ड्रिल होल्स हैं, ये जितने भी आपकी चौकटे या वुडन फ्रेम्स हैं उनके चारों तरफ होना चाहिए, स्कर्टिंग के ऊपर होना चाहिए, हर एक एक फुट के ऊपर। और जब बंदा ड्रिल कर रहा हो तो जो उसकी मशीन है वो ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए, जिससे कि जब वो केमिकल उसके अंदर डाले तो केमिकल उसके अंदर होल तक पहुंच भी जाए। अब इसको चाहो तो एक बार में करा सकते हो या दो बार में, मतलब कि जो एक केमिकल की इंजेक्शन है वो आज लग जाए और एक हफ्ते बाद लग जाए तो वो भी आप करा सकते हो, नहीं तो एक में भी काम हो जाता है, डिपेंडिंग आपके घर में दीमक का जो रेशियो है वो कितना ज्यादा है। अच्छा, एक छोटी सी ट्रिक है जो अक्सर लोग हम जब कंसल्टेंसी देते हैं कॉल पे और जब वो दीमक को लेके हमसे ये चीजें पूछते हैं तो मैंने एक चीज नोटिस करी, एक कॉमन सा सवाल था, पता नहीं आप लोगों को पूछेंगे नहीं पूछेंगे, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, कमेंट में शायद आ जाए, कि अगर आपकी 9 इंच की दीवार है तो आपको दोनों तरफ, सपोज करो एक कॉमन वॉल है, ठीक है, अब इस तरफ भी आपने करा दिया है और तो इस तरफ कराएं ना कराएं, इस तरफ भी करानी है, अगर 9 इंचेस की ब्रिक वॉल है, अगर 4 इंचेस की है तो सिर्फ एक तरफ से कराओ, बाकी कराने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर वो फ्री में कर रहा है या उतने ही पैसे ले रहा है तो करा डालना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या है कि भाई जब ड्रिल हो जाए उसके बाद उस ड्रिल को होल को जो फिल करना है वो ऑन द स्पॉट करा लेना है, केमिकल का काम खत्म हुआ तुरंत ही उसके बाद वो व्हाइट सीमेंट से फिल करना है। फिल कैसे करना है, अब लोग क्या करते हैं व्हाइट सीमेंट में पानी मिलवा लेते हैं, वो नहीं करना है, व्हाइट सीमेंट प्लस जो केमिकल है जो उसके अंदर ड्रिल हुआ है उसी से करना है। तीसरा इसमें एक चीज और ऐड करनी है, कलर, जो आपकी दीवार का कलर है वो व्हाइट सीमेंट में कलर भी मिला देना है, जिससे कि आपकी वॉल और वो छेद दिखे ना और एकदम परफेक्टली मैच हो जाए, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है कि भाई इंटीरियर डिजाइन ऑफ बाथरूम की, और उससे अगली नेक्स्ट वीडियो होने वाली है इंटीरियर डिजाइन ऑफ 1 BHK अपार्टमेंट की, जिसको मैं पूरा एक्सप्लोर और डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आप भी अपने घर को डिजाइन कर सके। और गाइज आप यार वीडियो तो देख लेते हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इससे कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज मिली है तो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे अपना 1 BHK इंटीरियर्स पे, ये यहाँ पे मैं अपने नोट्स में स्क्रीन पे लिख लेता हूँ कि 1 BHK इंटीरियर्स को हमको करना है। और अब ये हम अपना पेन वापस लगा देते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और गाइज शॉर्ट क्विक इंटीरियर डिजाइन के टिप्स और हमारी टीम में क्या मस्ती होती है वो इंटी कोच के दूसरे चैनल पे आते हैं जिसका नाम है इंटीरियर कोच शॉर्ट्स, तो इंस्टाग्राम के दोनों पेजेस को आप फॉलो कर सकते हो और इंटीरियर कोच के दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हैं। और भी चीजें हम इंस्टाग्राम पे भी लेके आए हैं रील सेक्शन के अंदर, जहां पे हम सिविल और इंटीरियर्स की भी क्विक टिप दे रहे हैं, साथ के साथ और भी बहुत सी नई चीजें लेके आए हुए हैं, डिजाइन स्टोरीज और मतलब बहुत सारी टिप्स है जिसमें आपको मजा आएगा। और गाइस जल्दी हम शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं, ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, उस पर प्रोडक्ट हम अपलोड कर रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट मार्केट में जब मैं मार्केट रैकी के लिए निकला तो एक प्रोडक्ट जो 2000 का था वो 22000 में बिक रहा था, तो मैं कह यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो अब हम प्रोडक्ट्स को आपको डिलीवर करेंगे, जब आप पूरे इंडिया में कहीं भी रहते हो किसी भी तरीके के सामान हो, बस थोड़ा सा उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। और आपके लिए एक सरप्राइज आ रहा है 24th के लिए, अगर आप भी इंटीरियर डिजाइन सीखना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो 24th को वेट करो, सारी चीजें आ जाएंगी, फिर आपको मजा भी आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।